23वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ आज गोवा में होगा। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया की फिल्मों के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। इफ्फी में कई देशी और विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, तो मास्टर क्लास सेशन से लेकर कई और बड़े आयोजन भी यहां होंगे। 9 दिन तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित होंगी। दुनिया भर की सिनेमा की खास और चुनिंदा फिल्मों के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा पूरी तरह सज चुका है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इफ्फी के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर से होगी, तो फिल्म फेस्टिवल में RRR से लेकर द कश्मीर फाइल्स और लॉस्ट जैसी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस बार फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म महानंदा, हिंदी फिल्म थ्री ऑफ अस, द स्टोरी टेलर और मेजर सिया सहित कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोचने वालों की नहीं। बिहार सहित देश के 19 राज्यों से चुने गए 18 से 35 वर्ष के भविष्य के 75 प्रतिभाशाली युवा इफ्फी के 53वें संस्करण में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फिल्म बाजार में हमने बहुत सारी नई चीजें इस बार प्रयास किया है कि वो ऐड हों। बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, जहां जो नामी पब्लिशर्स हैं वो अपनी नॉवेल्स को और अपनी स्टोरीज को प्रमोट और पिच कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के दौरान, क्योंकि आजकल काफ़ी फिल्में जो हैं उपन्यास पर आधारित रहती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो एक बहुत ही माननीय मंत्री जी का एक ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था जो लास्ट इफी में इंट्रोड्यूस किया था, इस बार उनको हमने 53वें संस्करण में 53 घंटे का हमने एक उनको चैलेंज दिया, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म जो 5 टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शॉर्ट्स टीवी यूके का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी दिखाएंगे और उसका जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी हम काफी 25,000 स्कूलों के आसपास बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे इससे इस मुहिम से प्रेरित हों और फिल्म मेकिंग को वो अपना एक करियर अपना सकें। इस बार इफ्फी में कंट्री इन फोकस के रूप में फ्रांस को शामिल किया गया है। कंट्री फोकस खंड के अंतर्गत फ्रांस और उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता के योगदान का जश्न मनाया जा रहा है। कंट्री इन फोकस सेगमेंट का आयोजन भारत में फ्रांस के दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस के सहयोग से किया गया है। इस बार इफ्फी का फिल्म बाजार काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि पहली बार कई देशों, राज्यों और फिल्म संगठनों के पवेलियन समुद्र के पास बहुत ही खूबसूरत सैरगाह में स्थापित किए जा रहे हैं। बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष स्क्रीनिंग होगी। फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। तो वहीं आम जनता के लिए बड़े पर्दे पर हर रोज कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलेंगी। अपने सहयोगी मुनमुन और श्यामा के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए पणजी गोवा से। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की शुरुआत आज कतर में होने जा रही है, जहां दुनिया की 32 टीमें विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से आमने सामने होंगी। वहीं उद्घाटन समारोह दोहा के अलबायत स्टेडियम में आयोजित होगा। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।